हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्लैश मूवी जून 16 को रिलीज़ होने वाली है और एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि चाइना में भी इसकी रिलीज़ कंफर्म हो चुकी है। फ्लैश मूवी जून 16 को चाइनीज़ मार्केट्स में भी रिलीज़ होगी। आप जानते हैं, कोई भी हॉलीवुड मूवी अगर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे अच्छे नंबर्स पुट करना चाह रही है तो उसके लिए चाइना का बॉक्स ऑफिस मायने रखता है। लेकिन पेंडेमिक के बाद से ये देखा गया है कि चाइना मार्केट पे जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है उसमें थोड़ा सा डिप देखने को हमको मिला, यानी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो फ्लैश मूवी मान लीजिए अच्छे रिव्यूज़ हैं और ऑडियंस के साथ क्लिक कर गई है, तब भी आप एक्वामैन जैसे नंबर एक्सपेक्ट मत करिएगा। एक्वामैन तो चाइनीज़ मार्केट में 290 मिलियन डॉलर्स के भी ऊपर निकल गई थी, लेकिन फ्लैश मूवी अगर 80 से 100 मिलियन डॉलर्स तक भी कर रही है चाइनीज़ मार्केट में तो इसे एक अच्छा परफॉर्मेंस बोला जाएगा। और दूसरी चीज़, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि रॉटन टोमेटो स्कोर या बाकी जो रेटिंग वेबसाइट हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप किसी सुपर हीरो या किसी फ्रेंचाइज के फ़ैन हैं तो आप खुद जाके मूवी को देखिए और तय करिए मूवी अच्छी है कि नहीं। लेकिन फिर भी गाइज, पेंडेमिक के बाद से आपको पता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। कोई भी हॉलीवुड मूवी रिलीज़ होती है वो 45 डेज़ के बाद या 70 डेज़ के बाद या 90 डेज़ के बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। तो इस वजह से ये जो रेटिंग वाली वेबसाइट है, चाहे रॉटन टोमेटो हो या बाकी वेबसाइट हो, तो इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। अनफॉर्चुनेटली इनका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ गया है जनरल ऑडियंस के दिमाग में, क्योंकि जनरल ऑडियंस को पता है कि इतने दिन बाद स्ट्रीमिंग पे मूवी आ ही जाएगी तो वो रिव्यूज़ देख के ही मूवी को देखने जाते हैं। रिव्यूज़ नेगेटिव हैं तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि भैया 45 डेज़ बाद या 70 डेज़ बाद तो स्ट्रीमिंग पे आ ही रही है, हमने सब्सक्रिप्शन तो लेके रखा ही है तो हम स्ट्रीमिंग पे उसको देख लेंगे। तो इसलिए फ्लैश मूवी के रिव्यूज़ अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, यानी रॉटन टोमेटो स्कोर या जितनी भी रेटिंग वेबसाइट हैं इन पर रिव्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तभी डेफिनेटली फ्लैश को एक बूस्ट देखने को मिलेगा। वरना आप जानते हैं कि कुछ दिन बाद तो स्ट्रीमिंग मूवी आ ही जाती है, तो लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बन चुका है पेंडेमिक के बाद से। फिर भी देखते हैं फ्लैश मूवी कैसा परफॉर्म करती है बॉक्स ऑफिस पे। अब इसका बजट 200 मिलियन डॉलर बोला जा रहा है, कुछ वेबसाइट्स 250 मिलियन डॉलर्स क्लेम कर रही हैं। दोनों ही सिनारियों में आप देखें तो एटलीस्ट इसको 650 से 700 मिलियन डॉलर तक तो करना ही चाहिए, तब हम कहेंगे कि एक अच्छे नंबर्स इसने बॉक्स ऑफिस पे पुट किए हैं। तो देखते हैं बॉक्स ऑफिस पे कैसा कलेक्शन करती है। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एटलीस्ट द बैटमैन जितने नंबर्स तो इसको बॉक्स ऑफिस पे करने चाहिए, क्योंकि फ्लैश मूवी में बैटमैन का कैरेक्टर अपियर हो रहा है और बैटमैन कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इस वजह से बूस्ट देखने को मिलेगा फ्लैश मूवी को बॉक्स ऑफिस पे अगर रिव्यूज़ अच्छे हुए तो। तो यही थी छोटी सी रिपोर्ट कि फ्लैश मूवी चाइना में भी रिलीज़ हो रही है जून 16 को। क्या आप एक्साइटेड हैं फ्लैश मूवी के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।